एमएस पेंट बनाने वाले एक सीडी जो आज हम बनाने वाले हैं एक सीनरी, उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम पेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और साइज छोटा करने के बाद में यहाँ से हमने एक लाइन ली, और लाइन लेने के बाद इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। ओके, अब इतना करने के बाद में और भी यहाँ से भी हमने लाइन लेंगे। करने के बाद में इसमें हमें कलर फिल कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमने एक येलो कलर लिया और ग्रीन, रेड, नीचे भी हम फिल कर देंगे पर्पल, और कौन सा लेना है, ब्राउन। चलो एक ब्राउन भी ले लेते हैं, इसमें भी डाल देते हैं, इसमें पिंक। ओके, इतना करने के बाद में अब हम आते हैं रिसाइज की तरफ, और रिसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहे होंगे मेंटेन को, इसको हमें ऑफ कर देंगे। इससे यहाँ से पिक्सेस को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में ये तुमसे पूछ रहा है कि किस तरीके की तुम्हें चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। हमने कहा अभी हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए, और हॉरिजॉन्टल को यहाँ से हम प्रेस किया सिर्फ वन, और वन प्रेस करते ही यहाँ से देखो सारा का सारा चला गया पीस। अब अभी करना है फिर से हम वहीं जाएंगे रिसाइज में, और रिसाइज में जाने के बाद फिर से वही हमें करना है, मेंटेन को ही ऑफ कर देंगे यहाँ से, और पीसेस ऑन किया। ऑन करने के बाद में यहाँ से हमने ले लिया कितना 600, आपको और बड़ा चाहिए तो हम और भी बड़ा कर लेंगे यहाँ से। फिर से वही हमने किया, पिक्सेस ऑन किए, थोड़ा सा बड़ा कर लो, हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे हमें पहाड़ की तरह जो मतलब पहाड़ लेके आने हैं, तो हम किस तरीके से लेके आएंगे। यहाँ पे हमने एक त्रिकोण वाला एक हमने एक सर्कल लिया, और यहाँ से हमने कलर भी हम इसको हम चेंज कर लेंगे, कौन सा, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर ले लिया, पहाड़ जो होते हैं वो ब्राउन कलर के ही होते हैं इस तरीके से कर दिया, और इसको सेट कर देंगे कि हमें किस जगह चाहिए। इतना करने के बाद में इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसको भी हम ब्राउन ही रहने देंगे इस तरीके से, और दोबारा से ले लेते हैं इस तरीके से। फिर से हम ऐसे ही ले लेंगे,
इस तरीके से। और ले लीजिए, और ले लिया इस तरीके से। तो और भी हम ले सकते हैं यहाँ से, ये लीजिए इस तरीके से तैयार कर दिया, इसे थोड़ा सा यूं करके बढ़ा दिया, बस हो गया। अब इतना करने के बाद में हम यहाँ से एक सर्कल लिया ओवल, और लेने के बाद उसे हमने कलर ले लिया कौन सा, येलो। और येलो कलर लेने के बाद में यहाँ से हमने इस तरीके से इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। वाओ बहुत सुंदर लग रहा है। इतना करने के बाद में यहाँ से हम ब्रश में आ गए, और ब्रश में से यहाँ से हमने ब्रश लिया और इसमें भी वही कलर कर दिया येलो। और इसकी जो परछाइयाँ जो मतलब पानी में जिस तरीके से जाती हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ से कर देंगे। साइड भी थोड़ा सा ठीक कर दो, भी बढ़ा देते हैं यूँ करके, अच्छा लगेगा इस तरीके से। बहुत सुंदर लग रहा है। तो आपको कैसा लगा?